कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए नाचन विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक विनोद कुमार ने भाजपा नाचन मंडल व भाजपा संगठन की ओर से विभिन्न चिकित्सालयों में 50 पीपीई किट प्रदान की। नाचन के युवा विधायक विनोद कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण एक छूट की बीमारी है। मेडिकल साइंस में अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुई है। इस लाइलाज जानलेवा महामारी से बचाव के लिए सतर्कता, सामाजिक दूरी व परहेज व जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है। हम प्रदेशवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दूरदर्शिता और सूझबूझ के चलते कोरोना वायरस से प्रदेश को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस ना फैले, इसके लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे समझदारी से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। विनोद कुमार ने नाचन मंडल भाजपा व भाजपा संगठन की ओर से लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नियर चौक में कोरोना वॉरियर्स के लिए 20 पीपीई किट प्रदान की। विधायक ने नागरिक चिकित्सालय गोहर में 10 पीपीई किट, नागरिक चिकित्सालय सुंदरनगर में 10 पीपीई किट, स्वास्थ्य केंद्र बग्गी को 5 पीपीई किटें तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनोटू को 5 पीपीई किटें प्रदान की। मैं कहना चाहूंगा कि नाचन मंडल भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पूरे संगठन ने मिलकर के तय किया है कि हेल्थ विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, नाचन मंडल भी हेल्थ विभाग का सहयोग करें। उस दृष्टि से आज हमने नाचन मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से 50 पीपीई किट, जिसमें से नाचन मंडल की ओर से 50 पीपीई किट बांटी है, जिसमें से 10 पीपीई किट हमने सिविल हॉस्पिटल गोहर में, 5 पीपीई किट हमने पीएससी बग्गी, पीएससी चौक में भी हमने 5 पीपीई किट दी है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में 10 पीपीई किट देने का काम हमने किया है और इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज नेर चौक में भी हमने 20 पीपीई किट देने का आज कार्य पूरा किया है। इस कार्य में जिन भी कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया है नाचन मंडल भारतीय जनता पार्टी के, मैं सभी कार्यकर्ताओं का अपनी ओर से और नाचन मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से निश्चित तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा, जो सहयोग सब कार्यकर्ताओं ने दिया है। धन्यवाद।